हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज का जो सेशन है ये यूपी कैटेट पीजी का सीट जो अलाटमेंट है, पीजी सीट अलाटमेंट के संबंध में है। क्लियर? तो आइए देखते हैं, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं। तो देखिए, आइए आपका यूपी कैटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पर हम आ चुके हैं और इसके संबंध में देखिए, आइए देखते हैं काउंसलिंग के संबंध में। तो काउंसलिंग का जो शेड्यूल था, पहले हम लोग काउंसलिंग के शेड्यूल पे आते हैं और देखते हैं क्या है। यह आपका पूरा सूचना विवरण आपका निकल गया काउंसलिंग की जो तिथियां हैं स्नातक और प्रस्नातक की। तो हम लोगों को पीजी की बात करनी है। तो पीजी का आपका जो प्रथम काउंसलिंग था, इसकी डेट आप देख सकते हैं क्या क्या इसके मुख्य डेट थे। तो ऑनलाइन काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन की तिथि खत्म हो चुकी है 10 से 12 सितंबर, और आज का जो डेट है 19 सितंबर 2021। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टाइम क्या हो रहा है, टाइम आपका हो रहा है 6:23। क्लियर? तो अभी जो मेन उद्देश्य क्या है, इसका मेन मोटो क्या है, परीक्षा आयोजक थर्ड नंबर आप देखते हैं तो थर्ड नंबर में आपका दिया है परीक्षा आयोजक विश्वविद्यालय द्वारा सीट आवंटन एवं परिणाम घोषित हेतु। तो आज का जो डेट है 19 सितंबर 2021 को, तो ये दिया है, यहाँ पर नीचे दिया गया है ब्रैकेट में 11:59 तक ये आपका सीट आवंटन का परिणाम आपके अप्लीकेंट लॉगिन के थ्रू आपको प्राप्त हो जाएगी। आपको नीचे स्टेप खुलकर आ जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है और कौन सी सीट मिली है, एग्रोनॉमी हॉर्टिकल्चर पैथोलॉजी सीटेक प्लांट साइंस, किस डिपार्टमेंट में आपको सीट आवंटन हुआ है, ये आपको 11 बजे रात तक होगी। तो आइए देखते हैं। वीडियो देखने से पहले आप लाइक तो बिल्कुल बनता है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर की दीजिए, और आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आगे आने वाले नोटिफिकेशन को आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। इसके लिए बेल आइकन तो बिल्कुल दबाना ना भूलिए। तो हम लोगों ने शेड्यूल तो देख लिया, अब यहाँ पर हम आते हैं इम्पॉर्टेंट लिंक पे। तो यहाँ पर दिया अप्लीकेंट लॉगिन, तो आइए हम लॉगिन करते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पर पहले दे रहा था कि रजिस्ट्रेशन नंबर और दोनों के थ्रू दे रहा है, क्योंकि यदि मान लीजिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर किसी को पता हो, डेट ऑफ बर्थ भी पता हो, तो आपके साथ उल्टा सीधा कुछ भी कर सकता था, इसलिए सिक्योर करने के लिए इसे पासवर्ड पे दिया गया है। तो अब यहाँ पर नीचे देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर इसमें फिल करना और पासवर्ड नीचे, फिर आपको नीचे देगा सिक्योरिटी पिन, तो सिक्योरिटी पिन के साथ आपको सबमिट करना है। तो आइए देखते हैं। तो इसमें हमने रजिस्ट्रेशन नंबर आपका पासवर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पर सिक्योरिटी पिन जो होती है इसको फिल करके हमने लॉगिन करना है। तो लॉगिन करते हैं, आइए देखते हैं। तो आगे क्या पोर्टल आपका ओपन हुआ, तो ओपन होने के पश्चात इस प्रकार का कुछ ऐसा फॉर्म दे रहा है, यहाँ पर दे रहा है प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, प्रिंट एडमिट कार्ड, प्रिंट रिजल्ट। क्लियर? तो फिर ऊपर से देखिए आपके स्टेप बाई स्टेप सारे आ रहे हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 5 और स्टेप 6। फिर यहाँ पर नीचे आपका ऑप्शन दे देगा कि प्रिंट योर सीट अलाटमेंट, ये यहाँ पर आपका 7th स्टेप आ जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये आप कितने बजे आएगा, तो ये आपका 6 बज चुका है, तो 6 बजे नहीं, आपका 7 बजे से लेकर 8 बजे के मध्य आ जाएगा। ये एक्सपेक्टेड टाइम है, क्योंकि यूजी का जो आया था तो यूजी का आपका इसी मध्य के इसी टाइम के बीच में आया था, इसके वजह से आप थोड़े देर रुक जाइए, उसके बाद आपका 7 बजे के बाद आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। आई होप कि आपको अच्छा सा सीट मिली होगी। थैंक यू।